गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य वक्ताओं ने स्वच्छ भारत अभियान एवं हमारा स्वास्थ्य विषय पर रखे अपने अपने विचार। कहा, स्वच्छ भारत मिशन से दूर हुई गंदगी, इंसेफ्लाइटिस सहित अन्य बीमारियां। मंडलायुक्त ने मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशलिस्ट बाल संस्थान का किया निरीक्षण, 5 सितंबर तक कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी व एसडीएम सदर ने महानगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाए कोरोना जांच शिविर का किया निरीक्षण। एसडीएम सदर ने लोगों से की अपील, लक्षण दिखने पर तुरंत जांच शिविर में कराएं कोरोना टेस्ट, जिससे समय से हो सके उपचार। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने का किया निरीक्षण, प्रगति से हुए अत्यंत प्रसन्न। कहा, प्रतिदिन बनेगा 3 लाख टन यूरिया, मिलेगी हजारों लोगों को रोजगार। आत्मनिर्भर भारत व स्वरोजगार योजना के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 50% के कमीशन पर FTTH कनेक्शन खोलने के लिए बेरोजगारों को दिया ऑफर। BSNL के महाप्रबंधक ने कहा, योजना से जुड़कर बेरोजगार अर्जित कर सकते हैं अच्छी आमदनी। परिषदीय विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले 3 फर्जी शिक्षक हुए बर्खास्त। BSA ने कहा, मुकदमा दर्ज कर वेतन के पैसे की होगी रिकवरी। कैंट थाने की पुलिस ने 4 शातिर अपराधी को देसी तमंचा व नकली नोट के साथ किया गिरफ्तार। CO कैंट ने किया खुलासा, मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला बाल संरक्षण समिति व जिला टास्क फोर्स की बैठक। बाल संरक्षण की योजनाओं के क्रियान्वयन सहित बाल विवाह के रोकथाम पर हुई चर्चा, बाल अपराध रोकने के दिए निर्देश। SDM सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना जांच केंद्रों पर ड्यूटी कर रहे लेखपाल और अमीनों की संयुक्त बैठक। कहा, लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक कराएं कोरोना की जांच। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 288 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 9,695। 1 कोरोना संक्रमित मरीज की हुई मौत। 6,776 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर जा चुके अपने घर। कुल एक्टिव केस हुए 2,785। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। SSP ने किया ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से संबंधित ITMR व्यवस्था का निरीक्षण। ट्रैफिक व्यवस्था में और अधिक सुधार लाने के दिए निर्देश। SP ट्रैफिक ने शहर में सड़क पर बनाए गए सफेद पट्टी पर खड़े वाहनों के खिलाफ चलाया अभियान। किया चालान, कहा, निरंतर चलता रहेगा अभियान। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 51वीं एवं महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के 3रे दिन कथा व्यास ने किया श्री राम जन्मोत्सव का वर्णन। कहा, सभी दुखों का नाश करते हैं प्रभु श्री राम। जिले में 6 केंद्रों पर ऑनलाइन शुरू हुई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE की परीक्षा, सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। और इमाम हुसैन की याद में मुतवल्लियान कमेटी के सदस्यों ने इमामबाड़ा डिग्री कॉलेज में किया पौधरोपण।